अब 303, इसमें भी आपको परचेज कैलकुलेट करनी है और गिवन क्या ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और सेल्स। तो यहाँ हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली कैलकुलेशन की। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री के पास आएगी क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है ना। ठीक है जी, पर लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 9340। परचेजेस हैं 1, परचेजेस मालूम करनी है। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक 11,855,11। तो ये माइनस होगा 11,855। तो क्या परचेज के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए होंगी ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम सेल्स को यूज करेंगे। सेल्स कितनी है, 120,600। अब इसमें देखिए मार्कअप दिया हुआ है, 25% मार्कअप। मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल्स 125%। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 125, 946,480। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गए, इसको जो पुट करते हैं ऊपर 96,480। अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी, तब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे, टोटल बताएं 108 3 5। अब इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करें तो परचेजेस आ जाएंगे आपके पास 9895,995। ये आपके परचेजेस होंगी और ऑप्शन बनेगा डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट 304 देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। अच्छा, अब ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। 305, तो ये भी हम बाद में सॉल्व करेंगे, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन हैं, रिसीवेबल। अच्छा, ये बैड डेट का टॉपिक है, ये भी बाद में सॉल्व होगा। जी हाँ, ये असल में इसमें क्वेश्चंस मिक्स हैं, नहीं चैप्टर वाइज नहीं दिए हुए। इसमें जो फाइनल अकाउंट्स हैं आपके, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा हैं और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चंस कम हैं। ठीक तो फाइनल अकाउंट्स यानी कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा, ये हाँ रिसीवेबल का था ना, मतलब ये तो बाद में टॉपिक हमारा उसमें पढ़ेंगे, इररिकवरेबल डेट्स का ना, बैड डेट्स। अच्छा, ये कर लेते हैं क्वेश्चन 325। ये मैं कल FA1 में भी किया था, हमने टेस्ट में आया था इस तरह का क्वेश्चन। अब बिजनेस कमेंस विद अ बैंक बैलेंस ऑफ 3,250, इट सब्सिक्वेंटली परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। मार्कअप ऑन कॉस्ट वॉज 120%। हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश लेस कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ऑल टेकिंग्स वर बैंक रिक्वायर्ड क्या, वट वॉज द नेट प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्रिंग इन टू दिस ट्रांजेक्शन।
प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। गुड्स उसने परचेज कितने के किए हैं? 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं और सोल्ड कितने की? हाफ, यानी कि 5,000 की गुड्स उसने सोल्ड कर दी। पहले तो हम यहां लिख लेते हैं कि यह है 325। अब इसने इसमें से हाफ गुड्स सोल्ड किए हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,000 हो गई। 5,000 की गुड्स सोल्ड हो रही है ना। अच्छा, मार्कअप कितना है? 120%। उस पे प्रॉफिट कितना ऐड हुआ? 120%। तो 5,000 का 120%, 6,000। सेल कितने में की इसने? 11,000 में। ये गुड्स सोल्ड कितने में हो रही है? 11,000 में सेल हो गई। तो 11,000 तो हो गई हमारी सेल्स, ठीक है, 11,000 की सेल ही। अच्छा, अब इस पे डिस्काउंट कितना दिया है? 5%। तो डिस्काउंट हो गया आपका 5%। 5% कितना बनेगा इसका? 550। माइनस करें 10,450, ठीक। अब इसमें से हमें प्रॉफिट निकालना है तो अब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? 5,000 माइनस करते हैं, आ रहे हैं 5,450। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ जेल। क्या कह रहे हैं? ये 10,000 की परचेज की थी, हाफ उसमें से सोल्ड हो गई ना। 5,000 की सोल्ड नहीं, तो कॉस्ट आपकी क्या है? 5,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। थ्री 27। इसमें टी अकाउंट बनेगा कैश का, नहीं था 327। इसमें कैश का टी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ओके, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 300। क्लोजिंग बैलेंस 400। ओपनिंग बैलेंस आ गया 300, क्लोजिंग बैलेंस 400। अच्छा, बाकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट से चलते हैं। पहले के ऊपर क्या दिया? ड्यूरिंग द मंथ 50,000 वॉज बैंक्ड इंक्लूडिंग 5,000 फ्रॉम द सेल ऑफ अ बिजनेस कार। अच्छा, 50,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए, कैश तो हो जाएगा क्रेडिट 50,000। और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे बैंक, बैंक में चले गए। इसके बाद है ही पेड 12,000 वेजेस इन कैश फ्रॉम द टेल। 12,000 क्रेडिट। इसके बाद है एंड विड्रू 2,000 पर मंथ एज ड्रॉइंग्स। अच्छे, मंथ की बात हो रही है, ईयर की हो रही है, बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ मंथ। अच्छा, 1 मंथ की बात हो रही है सर, और सेल्स फॉर द मंथ हमें निकालनी है। तो 2,000 पेजेस होंगी, 2,000 ही लेंगे। अगर ईयर होता तो ये 12 से मल्टीप्लाई करते फिर। क्या हुआ? ड्राइंग, ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट हुआ ना। इसके बाद कंप्लीट हो गया, 800 तो लिख दिया था ना पहले, ठीक है। अब इसका क्रेडिट साइड का टोटल करें, 64,400, 64,400। इसमें से 300 माइनस करें,
64,000। अच्छा 64,100 बैलेंस आ रहे हैं ना, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 64,100 का डिफरेंस आ रहा है लेकिन ये आंसर नहीं है। अच्छा आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 50,000 की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द मंथ 50,000 वॉज स्पेंट इंक्लूडिंग 5,000 फ्रॉम द सेल ऑफ अ बिजनेस कार, कार बेची तो वो सेल्स में तो नहीं आती ना। अब आप ये कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ लिखें कार, कार कितने की थी, 5,000 की कार थी, तो कार यहाँ से 5,000 से डेबिट कर लें यहाँ पर आप इसको, तो ये बैलेंस कितना रह जाएगा आपका, 59,100 आएगा। तो सेल्स कितनी होंगी, 59,100। या आप ये कर सकते हैं डिफरेंस निकाल लें कितना आ रहा है, 64,100। आप सेल्स के लिए क्या करें, सिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, 64,100 बैलेंस आ रहा है, इसमें से 5,000 माइनस कर देते हैं जो हमने कार सेल की है। तो गुड्स सोल्ड कितने की हमने, 59,100 की गुड्स सेल, तो आंसर होगा 59,100, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कार सेल आपकी इनकम थोड़ी है, सेल तो आपकी गुड्स होती है ना, गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, कार तो एसेट है, कार सेल करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, कार डेबिट, कैश डेबिट, कार क्रेडिट। गुड्स सोल्ड करते हैं तो एंट्री होती है कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इसलिए कार इसमें से माइनस कर देंगे 5,000, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एक अच्छा क्वेश्चन था। 328 तो कैश का एंडिंग बैलेंस कितना है, कैश दिया हुआ है एंड पे 100, ये तो कैश का कैरी डाउन हो गया 100 के बाद 50 ओपनिंग बैलेंस हो गया, 50 कैश का ओपनिंग बैलेंस 50 आ गया, के बाद रिसीवेबल्स का ओपनिंग है 2,000, रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस आ गया 2,000 के बाद टोटल सेल्स इन द ईयर 230,000। टोटल सेल्स हैं अब ये, टोटल का मतलब ये कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड है। अच्छा अकाउंट रिसीवेबल एंड ऑफ द ईयर कितना है, 3,000, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस के बाद चेक्स बैंक फ्रॉम क्रेडिट सेल्स वर 160,000 एंड कैश सेल्स ऑफ 50,000 हैव बीन बैंक। सभी चेक्स बैंक फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, तो इट मीन रिसीवेबल में क्रेडिट होगा और यहाँ लिख लेंगे बैंक के बाद है एंड कैश सेल्स ऑफ 50,000 हैव बीन बैंक, तो कैश सेल। अच्छा इसमें आप ये दो काम कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर ही कर दें, तो ऑप्शन है देखें कैश सेल्स 50,000 हैव बीन बैंक, इसको कैश सेल्स आपकी, हाँ 50,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दें। अच्छा ये चले गए आपके बैंक में, इसके बाद क्या है, अभी आपके पास है टोटल सेल्स कितनी है 230, जिसमें से 50,000 आपकी कैश सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स कितनी हुई ये बताता हूँ, 180,000। अच्छा देखिए ये जो है ना, इसमें यहाँ बता दो इसका मतलब क्या है, कैश सेल्स ऑफ 50,000 हैव बीन बैंक, कैश सेल्स आपने बैंक में जमा करवा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो पहले कैश आया होगा। हाँ देखिए इसमें दो चीजें हैं, पहले हमने जब कैश सेल की होगी तो एंट्री क्या बनी होगी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक। और इसके बाद डिपॉजिट करवाए तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये इसको आप डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट भी कर सकते हैं, सही।
अब अगर हम यहाँ पर इसको देखें, ये वाली सेकंड वाली एंट्री को फॉलो करें तो कैश में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन अगर पहली वाली को फॉलो करते हैं तो कैश को पहले आपको डेबिट करना पड़ेगा फिर क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे डेबिट पे लिखूं फिर 3000, इसका इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमने क्रेडिट सेल्स निकालनी, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करके क्रेडिट सेल्स आ गए। के बाद खत्म। ओके अच्छा, अब वो क्या करना है हमें, अब हम पहले रिसीवेबल अकाउंट को देखें, क्लोज करेंगे। रिसीवेबल की डेबिट साइड का टोटल है 182,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 163 आ रहा है। 182,000 फिर से ये माइनस करें क्रेडिट साइड, डिफरेंस निकालें कितना आया 19,000। सिर्फ ये 19,000 क्या है, अब ये क्या है, कुछ तो है, रिसीवेबल तो रह गया, वो तो नीचे दे दिया ना 3,000, सीडी तो दिया हुआ है, रिसीव हो गया, अब ये कैश हो गया, ठीक है। लेकिन ऊपर उसने चेक का बताया था ना, चेक कितने मिले थे 160,000 के, तब ये क्या है, ये कैश होगा, ठीक। तो यहां पर इसको डेबिट करेंगे कैश अकाउंट में, 19,000 यहाँ पे डेबिट होगा और लिखेंगे क्या, रिसीवेबल। अब कैश अकाउंट क्लोज करेंगे 69,050। अब इसमें से ये क्रेडिट साइड माइनस करें, 18,950 डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका कैश स्टोलन हो जाएगा ना। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा आंसर होगा कि इतना कैश हमारा चोरी हो गया, सही। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। बता देते हैं 331, इसमें भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली वर्किंग यूज होगी ना, से फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं इसका, पहले ये वाली वर्किंग कॉपी होगी और इससे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 15,740, परचेजेस 75,550, एक दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल हो गया 91,000। हाँ रे 290, 91,290। क्लोथिंग स्टॉक फाइंड करने है तो इसके लिए हमें चाहिए होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम सेल्स को यूज कर लेंगे। सेल्स कितनी है 91,800, अब ये क्या 20% मार्कअप है, तो मार्कअप में कॉस्ट 100 होगी, प्रॉफिट 20%, तो सेल्स 120। अब कॉस्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके 120 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी कितनी, 765,000। तो ऊपर पुट कर देते हैं 76,500। ओके अब ये 91,290 में से 75,600 माइनस करें, 14,790 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। थ्री 34 जी, क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसमें परचेज फाइंड करनी है तो यही हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करनी है ना, यही वर्किंग यूज होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना है,
ओपनिंग इन्वेंट्री 5288, परचेजेस नहीं पता, फाइंड करना पड़ेंगी। क्लोथिंग इन्वेंट्री 4184, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें क्या चाहिए? परचेज। परचेज के लिए हम बनाएंगे पेबल का टी अकाउंट, अकाउंट पेबल अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट पेबल का ओपनिंग बैलेंस 11,564, क्लोजिंग बैलेंस 12,826, 12,826। इसके बाद ये ऊपर पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स टू सप्लायर 127,569, 127,569 पेमेंट्स आ गई। और क्या है? कुछ नहीं, बस इसको क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का टोटल करते हैं 143,95। किसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दें, परचेजेस आ जाएंगे कितनी, डिफरेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस 128,831। क्या आ गई आपके पास? परचेज। इसको यहाँ ऊपर पुट करते हैं 128,831, ठीक है। आप ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 129,935, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लें।